बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं फैज़ और ये मेरे साथ मौजूद हैं असदुल्ला खान न्याजी साहब। 11 बजे का वक्त, तपती दोपहर और उड़ान भरने लगे हैं हम गवर्नमेंट मरे कॉलेज अपने आखिरी दिन के लिए, क्योंकि आज हमारी डिग्री का आखिरी दिन है। वो सफ़र जो हमने सितंबर 2018 में शुरू किया था वो अन करीब ख़त्म होने वाला है, और ये असद साहब नाटक कर रहे हैं कि इनको कॉल आई लेकिन कॉल कोई नहीं आई। तो चलते हैं फिर कॉलेज स्नैपचैट के फ़िल्टर के साथ। तो अब हम कॉलेज आ चुके हैं। ये ओए किथे में बाहर आ गुजर जाए आप राजा जी। उसनैन साहब दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं, स्पॉन्सरशिप इनकी अभी भी मौजूद है। ये भाई जो है ना उनके साथ सुभान साहब हैं। तो ये वो कॉलेज है जब जहाँ हमें इल्म के अलावा बाकी सब कुछ मिला है। हम आपको कॉलेज भी दिखाएंगे कि कॉलेज कैसा है, तो थोड़ी देर रुकें और सब। इस वक्त मौजूद हैं अपने फिज़िक्स डिपार्टमेंट के सामने, ये मेरे क्लास फेलो, इनके साथ 4 साल दिन रात रात नहीं गुजारी। बहुत तेज हो रहे हैं, दिन गुजारे हैं बस। और ये इतने कुछ टोपीबाज बंदे हैं, ये हमेशा इन्होंने टोपी करवाई है बंदे को। कहते हैं कि मैं 11 बजे आऊँगा लेकिन साथ ये नहीं बताते कि 11 AM या 11 PM। तो ये गवर्नमेंट मरे कॉलेज और यहाँ पे हमने 4 साल गुजारे हैं। उसके बाद ये मेरे साथ मौजूद हैं अली अब्बास साहब और ये साथ मुजम्मल गुल साहब। इनकी तरफ से आज की वीडियो के स्पॉन्सर ये हैं कि चूँकि हम खाना नहीं थे खा गए, तो भाईजान कह रहे हैं कि नाश्ता आपको आज की इस वीडियो में अगर मेरा जिक्र करते हैं तो मेरी तरफ से होगा। तो ध्यान से देखें इस चेहरे को, इनकी अनफाल अकेडमी है। तो अगर किसी भी बच्चे का मुस्तकबिल आपने दाव पे लगाना हो तो वहाँ पे दाखला करवा दे, ठीक है ना। ये एक मरे कॉलेज का एक बड़ा नामी ग्रामी ब्लॉक है, BS ब्लॉक इसको कहते हैं। ये बास्केटबॉल ग्राउंड है। तो हाज़रीन ग्रामी, मरे कॉलेज थोड़ा तारुफ करवा देते हैं। हो सकता है आप में से कोई बच्चा अपना मुस्तकबिल यहाँ पर बनाना चाहता हो। मरे कॉलेज में 14 डिपार्टमेंट हैं, फ़िज़िक्स से लेकर केमिस्ट्री तक सारे डिपार्टमेंट में, इसमें साइंस के ज़्यादातर को 5-7 डिपार्टमेंट हैं। उसके बाद IT वगैरह भी पढ़ाई जाती है, CS नहीं पढ़ाया जाता, और आर्ट्स भी पढ़ाई जाती है। तो आप में से कोई अगर इंटर या बैचलर करना चाहता है यहाँ से तो एडमिशन जो है ओपन हुए हैं। तो जनाब एक और स्पॉन्सर हमारे पास हैं, ये भाईजान कोटली लोहारा में इनकी अकेडमी है। ये जो गुजरे हैं इनकी नहीं, ये जो खड़े हैं, ये जो मिसकिनों वाली शक्ल ले खड़े हैं, इनका नाम शहरयार। और अकेडमी का नाम क्या भाई आपकी? राइज अप। इनकी एकेडमी जाने के बाद आप कभी भी ज़िंदगी में राइज नहीं कर सकते हमेशा आप सेट करेंगे, राइज नहीं करेंगे। तो आज थोड़ा मरे कॉलेज के बारे में आपको बताते हैं कि मरे कॉलेज एक्चुअल में है क्या। मरे कॉलेज वो इंस्टीट्यूशन थी जहाँ पर अपने इलामा मोहम्मद इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ और तीसरी नामवर हस्ती फैज़ रसूल यहाँ से बैचलर करने के बाद निकलेंगे और इंशाल्लाह जिस तरफ जाएंगे नेर पा देंगे, अन्नी पा देंगे। कॉन्वोकेशन जो है उसका आगाज़ हो चुका है। ये रिबन, ये मेरी टोपी का उतर गया, और असद साहब जो है इनका अभी भी मौजूद है। तो ये थोड़ी बारिश हुई थी उसके बाद फिर धूप आ गई है, तो ये आवाम जो है वो तस्वीरों को लेने में मशगूल है, क्योंकि आपको पता है खाना पीना सब कुछ होता रहता है लेकिन ज़िंदगी में जो चीज़ याद रहती है वो हमेशा मेमोरीज याद रहती है, यादें। और जाहिर सी बात है यादें होती हैं, वो जाएँ याद रहें। अरे कहना क्या चाहते हो? तो यादों को याद रखने के लिए तस्वीर साजी का सिलसिला जारी है, हम भी थोड़ी सी कर लें फिर आपको कॉलेज घुमाएँ। ये मैं हूँ, ये मेरी क्लास है, और ये कॉन्वोकेशन के वक्त जो तस्वीर साजी का सिलसिला था वो आ गया है। बहन जी थोड़ा सा प्लीज़, आई वॉन्ट टू मेक अ ब्लॉग एंड दीज आर द पर्सन्स जिनके साथ मैंने 4 साल गुजारे हैं। ये मेरी क्लास है, ये मैं हूँ, और ये हम सब की पार्टी हो रही है। ये हमारे सर जी हैं, सर अदील साहब, इनके साथ हमारा पिछले 4 साल से साथ है, आज बिलाखर वो साथ जो है ख़त्म। और ये फेवरेट स्टूडेंट कट्टी अली सरकार अलमारूफ शिल्ला, ये सर जी जो हैं। सर जी आपने क्या एवेल्यूएट किया है कि हम कैसे स्टूडेंट रहे हैं और कहाँ तक हम जा सकते हैं?
आगे गुजारा कर सकते हैं आप लाइफ में कामयाब होंगे हमारी दुआएं आपके साथ सर जी थैंक यू सो मच सर जी आपकी इन्हीं दुआओं की वजह से हमने कामयाब हो जाना वरना काम तो हमारा कोई भी नहीं कामयाब होने वाला सियालकोट सियालकोट ये हमारे सीआर साहब है ओ सीआर इधर आ यार ये साम भाई हैं बड़े अच्छे सीआर रहे हैं इन्होंने हमेशा टीचरों की जो है वो टीसी की है बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की है सर जी वो इनकी प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा बताएं और इन्हें देख के लोगों ने जो है वो अपने बच्चों का नाम चमचा रखना शुरू कर ये हमारे सर जी हैं सर यकूब साहब ये मेरे रोल मॉडल हैं आज तक मैंने जितनी भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की है मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं इनको फॉलो कर सकूं तो आपको क्या लगता है कि हम कैसे बच्चे थे क्या वैल्यूएट किया आपने आप अच्छे स्टूडेंट थे सॉरी हैं अच्छे स्टूडेंट हैं थैंक यू सर और इसके साथ साथ ये कि मेरे बारे हार्ड वर्किंग भी हैं हाय हाय इतना सुकून आप थोड़ा सा खुद को इम्प्रूव करें इंशाल्लाह अपने कड्डी वाले भाई अब हम यहाँ से आपको पता है लंगर के बगैर तो हम कहीं भी नहीं जाते तो जनाब आप खाने के लिए हम जा रेट्रो भी खान पेट पूजा भी कुछ कर लेना कहते हैं पहले पेट पूजा फिर काम पूजा तो ये दिन हमें याद आएंगे मरे कॉलेज में हमने और कुछ सीखा हो ना हो लेकिन ज़िंदगी कैसे गुजारनी है वो हमने सीख लिया अगरचा ये स्कूल जैसा एक कॉलेज था मतलब पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा थी लेकिन इधर हमने ज़िंदगी गुजारने के हुनर सीखा अलविदा कहने लगे हैं हम कॉलेज को मुझे याद आ गया एक शेर उमैर नजमी साहब का वो कहते थे कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं तो ये दिल जो है इन दोस्तों के साथ लगा था अब इनसे बिछड़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी और के साथ लगेगा तो अल्लाह हाफिज़ कहते हैं फिर रेट्रो चलते हैं खाना खाने मसला सारा रोटी का है रोटी आस्ते सुबह से लेकर शाम तक रोटी के लिए बंदा खज्जल होता है सुबह निकले थे अभी तक नहीं मिली असद साहब चार साल गुजर गए हैं हमारे बड़े घर से क्या सीखा आपने यहाँ से मुझे थोड़ा सा ये बताना यही सीखा है कि आज के हाँ तो आज के दौर में भैया ज़्यादा डिग्री वाले कामयाब हैं हर किसी के पास है बिल्कुल बिल्कुल आपको किसी को बात सुना नहीं ये साहब इन्होंने मसला बहुत अपनी जिंदगी जीती है हाँ जी ये समझना कि इन्होंने नीचे कमान हुआ है इस वक्त मुजम्मल साहब हमारे साथ हैं मुजम्मल साहब चार साल आपने भी बगैरती में गुजार दी हैं मरे कॉलेज पढ़ाई तो आपने जितनी भी की है और हमने भी जितनी भी की है हम दोनों को पता है अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये देखें ना ये देखें ये काला कोट पहना हुआ है भाई अपनी तरफ से ढिलो साहब बने हुए हैं लेकिन ये बन नहीं सकते तो आज मुझे बताएं कि अपना एक्सपीरियंस के मरे कॉलेज में आपका ये चार साल मरे कॉलेज ऐसा ही रहा है कि स्नैक्स माशाल्लाह पाल रहे हैं हम कच्छों में डाल के अच्छा ठीक है इधर से उठो तो स्नैक इट पुटियाँ स्नैक निकलता है आगे थे ठीक है बाकी माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग भी हैं अच्छे लोग भी हैं जैसे कि हमारे असद भाई गुजर भाई बहुत अच्छे चश्मो चिराग और चौधरी साहब बैठे हुए हैं जैसे चौधरी भाई बैठे हुए हैं उसके अलावा ये नागरा भाई बैठे हुए हैं सर ये अक्सर कहा जाता है कि रोटी खुल गई है वह रोटी नीचे खुली है बंदे खुल गए हैं तो ये वो खाना है जिसको खाने के लिए हम आ चुके हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा ये अपना फ्रेंगोस नो रेट्रो का डोनर पिज़्ज़ा तो अगर मैं सम अप करूँ तो कुल मिला के यही कहूँगा कि मरे कॉलेज में बिल्कुल घर वाला माहौल था ना घर पे कोई मुँह लगाता है ना इधर कोई मुँह लगाता था तो बिल्कुल ये सच पर मबनी बात है अगर मरे कॉलेज आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें अपनी जिम्मेदारी अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूँ मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है अल्लाह हाफिज़ कहते हैं फिर